स्टेट लर्निंग बेसिकली ये कर रहा है कि इस चीज को खत्म कर रहा है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, 10th का मात्र 299 में एक साल पूरे का फी है उसका। ठीक है, अगर एक टॉपिक से हर वो संभावना संभावित प्रश्न जो स्टेट लर्निंग यही कर रही है कि जो भी बच्चे हैं 10th का मात्र 299 में एक साल पूरे का फी है उसका, 299 का, जिसमें 2.5 लाख क्वेश्चन दे रहा है, 1.5 लाख 2.5 लाख क्वेश्चन है। 11th का 12th का आपका मात्र 499 का है, इसमें भी आपको पर चैप्टर जो है 20,000 क्वेश्चन है पर चैप्टर। आप मान के चलिएगा तो आपका 1.5 लाख क्वेश्चन आपको टोटल ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, वो भी एक साल में मात्र 499 रुपये में। 12th का भी वही है। IIT नीट का जितना भी बच्चा है उसका आज के डेट में, अभी चले जाइए, अभी सीजन आया हुआ है, कोटा में आपको, कोटा जाने का ट्रेन में आपको जगह नहीं मिलेगा, और वहाँ पे 4 लाख 5 लाख का बाजारोपण हो चुका है। हम उस बच्चों के लिए भी लाई लेकर के आए हैं, मात्र 1,000 में 999 रुपया में वो कहीं से भी बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। और हम क्लास अवेलेबल नहीं करवाते हैं, स्ट्रीट लर्निंग सिर्फ और टेस्ट सीरीज करवाती है, और नीट और IIT के लिए एक स्पेशल हम लोग दे रहे हैं जिसमें 4 से 5 लाख सवाल हैं। यदि वो 4 से 5 लाख सवाल डील कर लेता है तो टॉप करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। जितना भी बाजारोपन हो रहा है उसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि सारा लोग क्वालिफाई कर रहा है। मैक्सिमम यहाँ से आप लाखों के संख्या में कोटा जा रहा है या और भी शहर में जा रहा है, हर स्टेट में यहाँ का बच्चा आपका पलायन कर रहा है, लेकिन उस अनुसार से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरा इसका मेन फोकस है कि हम जो गांव के एरिया में है, अंतिम पायदान के लोग हैं, जिसका सपना होता है कि हम भी पढ़ें, हमको भी शिक्षा चाहिए, वो पैसे की वजह से नहीं आ पा रहा है, उसको हमको बेसिकली शिक्षा देना है। ये मेरा स्ट्रीट लर्निंग का यही प्रोग्राम है और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से सवाल आप लोग अराइज कर रहे हैं? हम लोग सवाल पूरा NCERT से ही बना करके दिए हैं बच्चों को, और ऐसा ऐसा सवाल है, एक गेम की तरह हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करवाए हैं। और अब लग रहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, तो उस माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में हम लोग शिक्षक जो कार्य आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से स्ट्रीट लाइन का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और हर गरीब, हर अनाथ, हर असहाय घर पर बैठ के छोटा सा मोबाइल में देख के अपने सपना को पूरा करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा है। एक ग्रेट सैल्यूट टू स्ट्रीट लर्निंग पॉइंट, ग्रेट सैल्यूट टू माई सर। इस तरह की व्यवस्था आज तक मैंने अभी तक नहीं देखी थी, आज देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और लग रहा है कि अब गरीब के बच्चे भी IIT करेंगे, गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, निसंदेह यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, विशेषकर बिहार के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यहाँ बिहार के जो पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि शिक्षक की लंगोटी तक को मैं जानता हूँ, कि वो आज तक उन लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की, अब दम भरते हैं कि हम बना देंगे। LN में जाने वाले या कोटा में जाने वाले हजारों लाखों बच्चों को मैं देख रहा हूँ जिसमें से 1% रिजल्ट है, 99% बर्बाद हो जाते हैं। तो आज घर बैठे एक टॉपिक से उस टॉपिक के तमाम पहलुओं को, तमाम संभावित प्रश्न को अगर बच्चा सॉल्व कर लेता है, तो निश्चित रूप से अगर संपूर्ण सिलेबस की तैयारी इसी तरह से करता है तो वह टॉप करेगा, 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 और आने वाले कल में आपको स्ट्रीट लर्निंग पॉइंट का IIT और आपको नीट में एक जबरदस्त पकड़ होगी, और निश्चित रूप से क्रम क्रांति का यह सूचक होगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा वो दहाड़ने लगेगा। अपन अभी पटना में खड़े हैं, यहाँ गुरु रहमान सर बैठे हैं, यहाँ सूरज जी बैठे हैं, और यहाँ पर स्ट्रीट लर्निंग नाम की उस संस्था का आज ओपनिंग किया गया और उस कोर्सेज को लॉन्च किया गया जिस कोर्स का ये दावा है कि आपको अगर 10वीं की तैयारी करनी है तो पूरे 10वीं के सारे सब्जेक्ट से हम 1.5 लाख सवाल देंगे। आप एक बार सोच कर देखिए कि 10वीं के बच्चे को अगर पूरे सब्जेक्ट का 1.5 लाख सवाल मिल गया और वो सॉल्व कर लिया तो क्या मायना है कि वो टॉप नहीं कर जाएगा।
और सिर्फ 10वीं की कहानी नहीं है, 11वीं की भी है, 12वीं की भी है, नीट की भी है, और इसके अलावा उन तमाम एग्जाम्स की है जो बच्चे जाकर लाख लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन अफसोस कि पढ़ नहीं पाते हैं। रहमान सर से पहले बात करेंगे, अम्बेडकर जयंती है आज और शिक्षा उस शेरनी का दूध है, ठीक बात बोलते हैं अम्बेडकर जी? बिल्कुल बिल्कुल, नमन है अम्बेडकर जी को कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी की दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, ज्ञान दिवस के अवसर पर आज सूरज जी ने जिस तरह का कार्य किया है, मैंने तो सपना भी नहीं सोचा था, आप लोगों ने बुलाया था कि इस तरह का प्रावधान है। लेकिन अगर 9th 10th का परीक्षा हो, 11th 12th का परीक्षा हो, IIT की परीक्षा हो और आपको नीट की परीक्षा हो और उस परीक्षा संबंधित विषय वस्तु और उस विषय वस्तु से संबंधित तमाम वो संभावनाएं, तमाम वो संभावित प्रश्न जो आते रहे हैं, आने की संभावना है, अगर 1.5 लाख एक एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन किसी के पास जाता है तो मैं कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी लड़का हो, कितना भी कमजोर लड़का क्यों ना हो, अगर उसको गहनता से उसने शिरोदार कर लिया तो निश्चित रूप से उसकी सफलता तय है। मैंने पहले भी कहा कि सूरज सर का ये विश्वास कर रहे हैं कि ये 50% बच्चों को अपने हर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में इस माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ कि जो स्ट्रीट लर्निंग का जो कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, अगर इसी तरह से ये व्यवस्था चला रहे हैं, ये चलाते रहें और जैसा कि मैंने क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा और बच्चे उसके प्रति ललायित रहें, क्योंकि हम लोग मर जाएं, जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे ललायित रहें तो यह कहीं से कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि कलम ये आपको गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है। और मैं कहूँगा कि अगर जो बच्चा IIT करना चाहता है, आपको नीट करना चाहता है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है और उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल रूप से ज्वाइन करें, क्योंकि जिस तरह का फीस इन्होंने बताया उस फीस में डगमगला चौराहा पर 2 सिक्पान मिलता है और 2 सिक्पान के फीस में अगर ये किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को इंजीनियर बना देते हैं, तो निश्चित रूप से ये शिक्षक का वो रूप जो गुरु गोविंद दोनों खड़े कागो लगे पाऊं, तो गोविंद से ऊपर अगर शिक्षक को बताया, गुरु को बताया गया है, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण मुझे आज स्ट्रीट लर्निंग पॉइंट में मिला। सर बड़ा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, मास्टर लोग का या फिर उस आदमी का तारीफ नहीं करता है जो सेम काम कर रहा है, आप काहे इतना मतलब चाहते हैं कि गरीब पढ़ ले, कम पैसा में आगे बढ़ जाए? मास्टर में मास्टर आपको, हाँ। आपको बता दूं कि मुझे APJ अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि दी थी और मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ वहाँ पर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति तीनों को लेकर हम लोग चलते हैं, तो मास्टर के प्रतिद्वंदी वही होते हैं जो जिनमें दोनों को ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मास्टर से पहले भारतीय हूँ, और भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का अगर ठीका किसी ने लिया है, अगर उसकी मैं आलोचना करूं या कोई करे, तो निश्चित रूप से उद्देश्य द्रोही होगा। और मैं जान रहा हूं कि इस विधि से भारत की तकदीर बदलेगी, भारत की तस्वीर बदलेगी और लोग धर्म धर्म काट बैकवर्ड फॉरवर्ड ST ST हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो उस स्थान पर अगर कलम 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 की बात हो रही है तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी परिस्थिति में मैं क्या, वो तमाम शिक्षकों को चाहिए, तमाम बुद्धिजीवियों को चाहिए कि इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जब गए थे यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांगने हैदराबाद के निजाम के पास, तो उन्होंने जूता चलाकर उसको मारा था, और जब जूता चला कर उनको मारा तो उसी जूता को उन्होंने बेचा, उससे वो लाइब्रेरी खुला। तो निश्चित रूप से शिक्षक लोग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीय होगा और जिसके लिए भारत माँ है, जैसे मेरे लिए है, आपके लिए, इनके लिए है, तो वह ये काम निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। और इस काम का सराहना करना ये मजबूरी भी है, सच्चाई भी है, और अगर इसका कोई विरोध करता है तो गलत है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति किसी जाति किसी धर्म का हो, एक मोबाइल की सहायता से 500 और 1000 के अंदर में अपने सपना को पूरा करने जा रहा है, तो इसकी आलोचना करने का मतलब वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध होगा। मैं मानसिक रूप से संतुलित हूँ, मेरे मानसिक स्थिति ठीक है और मैंने पढ़ाया है, मैंने रिजल्ट दिया है, और मैं जान रहा हूँ कि इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। इसका भविष्य 4 साल देखिए, 4 साल में ये स्ट्रीट लर्निंग
अखंड हिंदुस्तान को टच करेगी। और ये आएगा कि फलनवा रिक्शा वाला का बेटा आईआईटी कर गया, फलनवा ठेला वाला बेटा मेडिकल कर गया, फलनवा बर्तन धोने वाले की बेटी डॉक्टर बन गई, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इसलिए सूरज जी को एक ग्रेट सैल्यूट और तमाम उन बच्चों से आह्वान, तमाम उन गार्जियनों से आह्वान कि सोच ले कि कलम किसी के बाप की बपोती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपोती नहीं है। और लगे इसके साथ, क्योंकि 500 से 1000 कुछ नहीं होता है, और उसमें अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो ये अद्भुत बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं इसका समर्थन करूँगा। सूरज जी से बात करेंगे, सूरज जी फाउंडर हैं और सूरज जी ने ये सपना देखा था, फिर हमसे मुलाकात हुई और हमने सोचा कि इस सपने को एक शक्ल दी जाए और सूरज जी से बात किया जाए। 1.5 लाख सवाल का आइडिया कहाँ से आया था? 1.5 लाख सवाल हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग था। फिर सबसे पहले तो हम ये आया कि इसको कैसे किया जाए, कितना हम लोग सवाल दें, क्या करें। हम लोगों ने एक टीम बनाया, टीम बना करके सारे लोग बैठ करके हम लोग डिस्कशन किए, बोले ऐसा सवाल देते हैं जो छूटे ही नहीं। सवाल बनाते बनाते ऐसा बन गया कि 1.5 से 2 लाख सवाल पहुंच गया, मतलब इतना जोश आ गया कि अरे एक पॉइंट छूट रहा है, फिर लग रहा है इस पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट जो है बहुत हार्ड है, लाओ इस पॉइंट पे हम लोग 10 क्वेश्चन बनाते हैं, 20 क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे करते करते हम लोग तब से बोल रहे थे कि हम गेम की तरह इस ऐप को बनाए हैं, एक इस टेस्ट सीरीज को बनाए, एक सेट पार करिएगा तो मन करेगा कि दूसरा बनाइए ले। क्या कैसे हुआ ऐसा? ये जो सेट हम लोग क्रिएट किए हैं वो हार्ड सेट हम लोग स्टार्टिंग में नहीं क्रिएट किए हैं, ईजी किए हैं, जिससे ये लगे कि चलो ये तो ठीक ठाक है लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ही वो सेट बनाएगा ना, उसका जब रिजल्ट आएगा, ईजी सेट दिए हैं, रिजल्ट आएगा, अरे हम 50 क्वेश्चन बनाए, 48 नंबर मेरा आ गया, उसको मज़ा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, जैसे ही आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, ये तो हम कर सकते हैं। फिर उसको धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाते गए हैं और एक उसका जज्बा को बढ़ाते गए हैं, तो इस तरह से हम लोग सेट क्रिएट किए हैं। आखिरी सवाल, क्या बदल जाएगा समाज सूर्य प्रकाश के इस मेहनत से और सोच से? ज़रूर बदलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना मेहनत किया है और जैसा कि सर ने बताया कि हम विश्व गुरु के ये ओर बढ़ रहे हैं, तो सर का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। यदि हम लोगों के अंतिम पायदान तक हम अपना मकसद पहुंचा देते हैं तो ज़रूर बदलेगा।